एक स्टार क्रिकेटर पर मर्डर का आरोप। बांग्लादेश में जो आंदोलन चल रहे थे उसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी और पूर्व कप्तान पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा है। नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। और कौन है ये खिलाड़ी और इन पर ये आरोप कैसे लगा और आरोप सच्चा है भी या नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बांग्लादेश में हाल ही में छात्र आंदोलन यानी स्टूडेंट प्रोटेस्ट द्वारा बुलाए गए विरोध में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप क्रिकेटर और नेता शाकिब अल हसन पर लगा है। छात्र विरोधी आंदोलन के दौरान ढाका में अदबोर इलाके में मोहम्मद रुबल नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इसका आरोप शाकिब समेत 156 लोगों पर लगाया गया है। रुबल पेशे से कपड़ा मजदूर थे और उन्हें आंदोलन के दौरान 5 अगस्त को गोली लगी थी और फिर 7 अगस्त को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। रुबेल के पिता रफीकुल इस्लाम द्वारा 22 अगस्त को पुलिस को दी गई शिकायत में शाकिब और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत अवामी लीग के 154 स्थानीय नेताओं पर हत्या का आरोप लगाया गया है। बता दें कि रुबेल के पिता ने पुलिस में जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें 400 से 500 अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप के अनुसार रुबेल 5 अगस्त को शांतिपूर्व विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। हसीना और अन्य आरोपियों से मिले आदेश के बाद अज्ञात लोगों ने विरोध कर रहे छात्रों पर गोली चलाई। इस दौरान रुबेल के सीने पर 2 गोलियां लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। रफीकुल ने 2 शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है, उसमें शाकिब अल हसन को आरोपी नंबर 28 बनाया गया है। वैसे बता दे कि शाकिब अभी पाकिस्तान में है। शाकिब पाकिस्तान दौरे पर गई टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम का हिस्सा है। 37 साल के शाकिब शेख हसीना की सरकार में मंत्री थे। देश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, साथ ही उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। वैसे बांग्लादेश के शाकिब अक्सर मैदान और मैदान के बाहर भी विवादों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। इस साल अप्रैल के महीने में उन्होंने ग्राउंड स्टाफ के साथ हाथापाई की थी, उसका फोन छीनने की कोशिश की थी और उसे थप्पड़ मारने की भी धमकी दी थी। इसके अलावा वो मैदान पर विपक्षी टीम के खिलाड़ियों और अंपायर से भी कई बार भिड़ चुके हैं। इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।